नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2021 के 56वें मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 8 अक्टूबर 2021 को इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैन टेंसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों आप इस मैच के एक्यूरेट प्रिडिक्शन लेना चाहते हो तो सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफ़ी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से 4 रन से, और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है विराट कोहली, देवदत्त पादिकल, शिखर भरत, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स इनके बैट्समैन है, डेनियल क्रिसन, शाहबाज अहमद इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, जॉर्ज गोटन, अर्शल पटेल, मोहम्मद सिराज, यजवेंद्र चहल इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों देवदत्त पादिकल ने 41 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने भी 40 रन बनाए थे, और दोस्तों अर्शल पटेल ने 3 विकेट लिए थे, साथ में दोस्तों डेनियल क्रिसन ने भी 2 विकेट लिए थे। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत करा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, सुरेश अय्यर, ऋषभ पटेल, सिमरन एटमायर इनके बैट्समैन है, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, कगिसोर अबाड़ा, आवेश खान, एनोजनेथोज इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों शिखर धवन ने 39 रन की पारी खेली थी, साथ में दोस्तों सिमरन एटमायर ने 28 रन बनाए थे, और दोस्तों अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए थे, साथ में दोस्तों आवेश खान ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, 1 विकेट लिया था। इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 26 मैच खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 16 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 10 मैच जीते हैं। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 215 रन का हाईएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और दिल्ली कैपिटल्स का 196 रन का हाईएस्ट स्कोर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 72 रन का लोएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और दिल्ली कैपिटल्स का 95 रन का लोएस्ट स्कोर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 16 में से 7 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि 9 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते, और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 10 में से 5 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि दोस्तों 5 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में जीत करा रहे, जबकि दोस्तों 1 मैच में हार करा रहे, और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स भी अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 में जीत करा रहे, जबकि दोस्तों 1 मैच में हार करा रहे। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 2 सालों में 3 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1 मैच में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 2 मैच जीते हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में 1 मैच पहले हो चुका है, जिसको दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। दोस्तों यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम थोड़ी जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। दोस्तों IPL 2021 के पेस्ट टू में चेस करने वाली टीम ही ज्यादा मैच जीत रही है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 102 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 41 मैच जीते, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 60 मैच जीते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 1 मैच टाई भी रहा है। यहाँ का एवरेज स्कोर 155 रन है। दोस्तों यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 219 रन पर 2 विकेट का है, और दोस्तों यहाँ का लोएस्ट स्कोर 70 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 37 बार, 150 से 169 के बीच में 33 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 22 बार स्कोर रहा है, जबकि 190+ यहाँ पर 10 बार स्कोर गया है। दोस्तों यहाँ का वेदर क्लियर रहेगा, यहाँ पर बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, साथ में दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों आज की फैन टेंसी टीम जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको देता रहता हूँ, साथ में दोस्तों वहाँ पर मैं कभी मेरी प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो वहीं पर बताता हूँ, और दोस्तों वहाँ पर मैं ठोस प्रिडिक्शन भी आपको देता हूँ, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी तक इस सीजन में 13 मैच खेले, जिनमें से 8 मैचों में जीत दर्ज की और 5 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 3 पर इनका स्थान है, जबकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक इस सीजन में 13 मैच खेले, जिनमें से 10 मैचों में जीत दर्ज की और 3 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 1 पर इनका स्थान है। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मैच को 48% जीत सकती है, जबकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स 52% जीत सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से कांटेक्ट नहीं किया तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।